केंद्र और राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई फसल बीमा योजना के तहत किसानों को जागरूक करने के लिए आज किसान रथ जिले से रवाना किए गए। इन रथों को हरी झंडी दिखाकर श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने रवाना किया। साथ ही एडीएम प्रथम रामचरण शर्मा व कृषि विभाग उप निदेशक पीसी मीणा भी मौजूद रहे। इस दौरान जूली ने कहा कि इस योजना के तहत किसान को फसल बीमा में मामूली रकम देनी पड़ती है, इसके अलावा आधी राशि केंद्र सरकार और आधी राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। जब कभी भी अतिवृष्टि या अनावृष्टि से फसल का नुकसान होता है तो सरकार द्वारा दिए गए प्रीमियम के आधार पर सर्वे कर किसान को उसकी फसल का मुआवजा मिल जाता है। जूली ने कहा कि अभी फिलहाल कोविड के चलते राज्य सरकार ने अलग से कोई योजना शुरू नहीं की है और इस योजना में अपना अंशदान दे रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना में जहां किसान को फायदा है वहीं बीमा कंपनियों को भी इसमें मुनाफा होता है, इसके चलते वह किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ देती है। उन्होंने कहा कि जिले में 9 रथ किसानों को जागृत करेंगे और प्रत्येक किसान को फसल बीमा के फायदे के बारे में बताया जाएगा। ये योजना किसानों के लिए उनकी फसल का बीमा हो, क्योंकि लगातार ये देखने में आया है कई बार ओलावृष्टि, कभी अतिवृष्टि, कभी सूखा, किसी न किसी कारणों की वजह से कई बार फसल खराब हो जाती, उसके लिए सरकार ने बीमा कराया है। उसमें कुछ हिस्सा किसान का रहता है, बाकी जो उसका हिस्सा है आधा केंद्र सरकार देती है, आधा राज्य सरकार देती है, और उसके बीमा हो जाता है। कोई भी फसल खराब होती है तो फिर उसका प्रीमियम जो हम भरते हैं उसके आधार पर उसका सर्वे कराकर किसानों को उसका भुगतान किया जाता है। उसके लिए जागरूकता के लिए अभियान चलेगा, 9 रथ पूरे जिले के अंदर चलेंगे जो कि किसानों को जागरूक करेंगे।